प्यार मोहब्बत इश्क का जुनून ये सभी एक उम्र तक सही लगते हैं। एक उम्र होती है इंसान की, तब तक ये सही लगते हैं, लेकिन जैसे इंसान का घर बस जाया करता है फिर उसको अपने पति अपनी पत्नी में ही प्यार ढूंढना चाहिए। लेकिन ज़माना कुछ उल्टा ही चलता है दोस्तों। कुछ लोग अपने पति अपने लाइफ पार्टनर में प्यार नहीं ढूंढते, वो दूसरे लोगों में प्यार ढूंढा करते हैं। इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक दो बच्चों की माँ प्रेमी के साथ भागी और दोस्तों घर में हुआ तांडव, दो बच्चों की और पति की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है करनाल के इंद्री की। करनाल के इंद्री में सुखविंदर नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 32 साल। आज से 10 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है सीमा। अब उनके दो बच्चे भी हैं, एक लड़का है 3 साल का और एक लड़की है 6 साल की। दोस्तों आराम से समय गुजर रहा होता है, 10 साल शादी के गुजर जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है और जो वह लड़का होता है वह आराम से अपने घर परिवार का भरण पोषण किया करता है, कमा कर लाता है, बच्चों को खिलाता है, पत्नी की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही शादी के 10 साल गुजरते हैं तो उसकी पत्नी की नज़रें इधर उधर घूमने लगती हैं। शायद ये भी कह सकते हैं कि उसका मन अपने पति से भर जाता है। अब पड़ोस में ही एक लड़का होता है, पड़ोसी जिसका नाम रणबीर होता है, वह वहीं पर रहा करता है, उसका आना जाना रास्ते में लगा रहता है। तो उसकी पत्नी सीमा की नज़रें उस रणबीर से मिल जाती हैं और नज़रें मिलने के बाद उनमें बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार न जाने कब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। रणबीर और सीमा दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिलने लगते हैं। जब भी घर पर सुखविंदर नहीं होता है तो जो सीमा होती है वह पड़ोसी रणबीर को अपने पास बुला लिया करती है और सीमा ने अपने घर वालों से अलग होकर रहने का डिसीजन पहले ही ले लिया था। यानी कि जो सुखवीर के घर वाले हैं, सीमा के साथ ससुर हैं, वह उनसे अलग रह रही है वहीं गांव के अंदर। दोस्तों अब उनका प्यार परवान चढ़ता है। इसी तरह से 7 महीने गुजर जाते हैं सीमा और रणवीर का। 7 महीने गुजरने के बाद सुखविंदर को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी और उसका पड़ोसी आपस में क्या गुल खिला रहे हैं। वह अपनी पत्नी को प्यार से अपने पास बिठाता है और बच्चों को भी अपने साथ लेकर बैठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देख ये बच्चे हैं मासूम, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी बेइज्जती हो रही है समाज में, तू ऐसा काम मत कर, इन बच्चों के भविष्य की तरफ देख और अपने भविष्य की तरफ सोच। यह सारी चीज़ें अपनी पत्नी को समझाता है। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी कहाँ मानने वाली थी, उसकी पत्नी बिल्कुल ही नहीं मानने वाली थी। फिर दूसरे ही दिन उसकी पत्नी सीमा रणबीर को लेकर घर से फरार हो जाती है और घर से फरार होकर के कोर्ट में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो अलग से रहने लगते हैं। उसके बाद जो सुखविंदर है उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी ने भागकर शादी कर ली है तो उसके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि जिस पर 10 साल से भरोसा किया, जिसके लिए ज़िंदगी गंवाई, उसने मुझे इस मोड़ पर आकर धोखा दे दिया। मेरे दो बच्चे हैं, लड़का 3 साल का, लड़की 6 साल की, अब इनको माँ कहाँ से लेकर आऊँगा मैं, और उसने मेरी पूरे समाज में नाक कटवा दी। दोस्तों यह बोझ लेकर वह जी ही रहा था, अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का उसके पास फोन आने लगता है और कहती है कि मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, अगर नहीं छोड़कर जाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी और तुम्हें मुझसे केस लड़ना होगा। दोस्तों यह बात सुनकर वह अंदर से टूट जाता है कि पहले इज्जत गई, बीवी गई और अब बच्चे भी चले जाएंगे। इस बात को वह सहन नहीं कर पाता है, वह अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद दोस्तों शाम होती है और वह एक डिसीजन लेता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है उसके लिए और उसके बच्चों के लिए। वह बाज़ार से खाने पीने की चीज़ें लाता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को सारी चीज़ें खिलाता है और उनको उनका पेट भर देता है। उसके बाद उनको खिलाता है, उनके पास खेलता है, उनसे बातें करता है, हंसता है और फिर दोस्तों उसके बाद शाम को वह अपनी बेटी को गोदी में उठाकर अंदर ले जाता है कमरे के अंदर और वहाँ पर फांसी के फंदे से उसको लटका देता है। उसके बाद वह बाहर आता है रोता हुआ, उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर रही थी और वह आंसुओं से रो रहा था। उसके बाद वह बाहर आता है, अपने बेटे को उठाता है, उसको दूसरे कमरे में ले जाता है और उसके गले में फांसी का फंदा लगा देता है और उसको भी फांसी पर लटका देता है। उसको देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद वह अपने लिए एक फंदा लटकाता है पंखे में और उसमें अपनी गर्दन को लटकाकर वह खुद भी फंदे पर झूल जाता है। दोस्तों तीनों जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं एक औरत की वजह से। उसके बाद रात गुजर जाती है, आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि इस घर में से कोई हलचल नहीं आ रही है तो पड़ोस के लोग झांक कर देखते हैं कि आखिर सुखविंदर गया कहाँ है। तो खिड़की में से जब झांक कर देखा जाता है तो लोगों को दिखाई देता है कि सुखविंदर
और उसके दो छोटे छोटे मासूम से बच्चे फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। दोस्तों, लोग पुलिस को बुलाते हैं, डेड बॉडीज़ को पुलिस काबू में लेती है और मामले की छानबीन करने लगती है। और जो सुखविंदर के घर वाले हैं, वह सीधा आरोप अपनी बहू पर लगाते हैं, सीमा पर, कि उसने इसको इतना टॉर्चर किया था कि इसको मरने पर विवश कर दिया। दोस्तों, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और सारे तथ्य और सबूत जुटा रही है। जिसका भी कसूर होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, ऐसे ऐसे वाक्य समाज के अंदर हो जाते हैं। उस पत्नी को क्या मिल गया? अपने पति की जान ले ली, अपने दो मासूम बच्चों की जान ले ली, सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के कारण। उसे अय्याशी करनी थी, इसीलिए उसने अपने बच्चों की, अपने पति की, सबकी जान ले ली। तो क्या ऐसी पत्नियां घरों में होनी चाहिए? ऐसी पत्नी के बारे में आप लोग क्या कहोगे जिसकी वजह से पूरा खानदान मिट गया और तीन लोगों की जान चली गई, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी उसकी अय्याशी और मौज मस्ती के कारण, क्योंकि वह अपने यार के साथ रहना चाहती थी। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या उस पत्नी को सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर आप ये कहोगे कि उसने थोड़े ही मारा है, उसको सज़ा नहीं मिलेगी, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हो। ऐसे ऐसे वाक्य समाज के अंदर हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा उन पति और पत्नियों से, कि प्यार करना है तो अपने पति से करें, पति को प्यार करना है तो अपनी पत्नी से करें। उसी में भलाई है, उसी में आपका परिवार फलेगा फूलेगा। और ये दो नंबर के काम जो होते हैं, इनसे कभी भी परिवार के अंदर बरकत नहीं होती है। कहीं ना कहीं ऐसी घटना अवश्य घट ही जाती है, हो सकता है जल्दी ना घटे, लेट घटे, लेकिन ऐसे वाक्य ज़्यादातर ऐसे प्यार, ऐसे प्रेम संबंधों में हो जाया करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, एक दूसरे का साथी बने, जीवन साथी बने। जय हिंद, जय भारत।